सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और शाहरुख खान फिर से एक बार दोस्त बन गए हैं। सालों तक एक दूसरे की शक्ल भी देखना इन दोनों को गवारा नहीं था, लेकिन वक्त ने इन दोनों की दुश्मनी पर एक मरहम का काम किया और अब ये लोग फिर से हाथ मिला चुके हैं। इसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर है, क्योंकि दो बिछड़े हुए दोस्त फिर से एक साथ आ गए हैं। हालांकि बहुत से लोग अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इन दोनों में लड़ाई हुई क्यों थी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन में दुश्मनी हुई क्यों थी। ये बात साल 2003 की है, जब ये लोग फिल्म चलते चलते में साथ काम कर रहे थे। उस समय ऐश्वर्या राय बच्चन सलमान खान से अपना रिश्ता खत्म कर रही थी, जिस वजह से सलमान खान और ऐश्वर्या के बीच काफी लड़ाइयां हो रही थी। बताया जाता है कि कई बार तो सलमान खान ऐश्वर्या राय बच्चन से लड़ाई करने के लिए फिल्म चलते चलते के सेट पर भी आ जाते थे, जिस कारण फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ जाती थी। इसकी वजह से शाहरुख खान का काफी नुकसान भी होता था, क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर वही थे। हालांकि शाहरुख खान दोस्ती के चलते ये सब सह रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन सलमान खान बहुत गुस्से में सेट पर आए और हंगामा करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद शाहरुख खान ने इस परेशानी को जड़ से खत्म करने का फैसला ले लिया, जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्म चलते चलते से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह इस फिल्म में रानी मुखर्जी को लिया गया। बस फिर क्या था, शाहरुख खान के इस फैसले ने ऐश्वर्या राय बच्चन को नाराज कर दिया, जिसके बाद ऐश्वर्या ने लगभग 14 साल तक शाहरुख खान से बात नहीं की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।